यस डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स, हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेसन टू फ्रॉम द हिस्ट्री द अर्ली फेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। अर्ली यानी पहले के पौराणिक समय के, फेजेस यानी हिस्से या भाग ऑफ ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ से क्या मतलब होता है बच्चों? मानव जीवन के। देखिए सीधी सी बात है, अभी हम जैसा जीवन जी रहे हैं, अभी जैसे हम नजर आते हैं, जो अभी हमारी एक्टिविटीज है, हम अर्ली पौराणिक टाइम में जब मानव जीवन की शुरुआत हुई थी तब बच्चों हम ऐसे नहीं थे। हमारा जीवन जीने का तरीका अलग था, हमारा भोजन करने का तरीका अलग था, हमारा लाइफस्टाइल अलग था, एवरीथिंग वाज डिफरेंट एट दैट टाइम। सो इन दिस चैप्टर वी विल अंडरस्टैंड अबाउट दी व्हाट आर दी ह्यूमन एक्टिविटीज एट दैट टाइम ऑफ अर्ली मैन यानी आदि मानव की। तो एक बार चैप्टर जो है इसको ग्लिम्स लेते हैं, इसका झलक लेते हैं। द अर्ली मैन के बारे में जानेंगे, ओल्ड स्टोन एज पुराना जो पाषाण युग जो था उसके बारे में जानेंगे, पैलेलियोथिक कल्चर्स के बारे में जानेंगे हम। इसके बाद द मेसोलिथिक कल्चर के बारे में जानेंगे, मैन एज अ फार्मर एंड हर्डर। मैन मानव ने कैसे शुरुआत करी, किसान कैसे बना, हर्डर यानी पशुपालक कैसे बना, इधर उधर घूमने वाला कैसे बना। द नियोलिथिक एज के बारे में पढ़ेंगे, स्टार्टिंग ऑफ द एज ऑफ मेटल्स, जो मेटल युग जो था बच्चों, जिसको हम कहते हैं मेटल को हिंदी में हम क्या कहें, धातु जो युग था वो कैसे स्टार्ट हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। ब्रॉन्ज एज, ब्रॉन्ज भी एक धातु होती है बच्चों, उसके बारे में पढ़ेंगे। और केस स्टडीज, और उसके बारे में एक अलग अलग केस स्टडीज भी पढ़ेंगे। तो ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में टोटालिटी। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द पेज नंबर 14, चैप्टर 2 फ्रॉम द हिस्ट्री द अर्ली फेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब बात करते हैं अर्ली मैन की, आदि मानव की बात करते हैं, शुरू करते हैं बच्चों। वी कैन सी वन पिक्चर ओवर हियर, द मैन इज हंटिंग समथिंग, वो किसी चीज का शिकार कर रहा है, वो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। For about 2 million years ago, man have been living in the subcontinent. ठीक है, 2 million years ago, 2 million वर्षों पहले जो मैन जो थे, सबकॉन्टिनेंट क्या कहेंगे बच्चों? हमारे भारत के आसपास का जो सारा क्षेत्र है, कभी आपको बताएंगे सबकॉन्टिनेंट क्या होता है, तो उस क्षेत्र में रहता था। अर्ली मैन हैड टू डिपेंड ऑन द नेचर फॉर देयर सर्वाइवल। बच्चों उस समय की तरह किचन नहीं थे, चूल्हे नहीं थे, गैस नहीं थे, नाच नहीं था, तो उनको अपने सर्वाइवल के लिए, अपने अस्तित्व के लिए जंगलों पर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। दे लिव्ड अ प्रिमिटिव लाइफ ऑफ स्ट्रगल एंड हार्डशिप। उनका जो शुरुआती जो जीवन था वो स्ट्रगल, संघर्ष से भरा हुआ था, और हार्डशिप बड़ा मेहनत भरा था। दे यूज द स्किन ऑफ एनिमल्स, लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज फ्रॉम द कोल्ड। अब यहाँ पे हम लोग वस्त्रों की बात करें बच्चों, आप इसको अंडरलाइन करेंगे कि अर्ली मैन जो था वो जो थे वो किन चीजों का इस्तेमाल करते थे अपने बॉडी को ढकने में या सर्दी से अपने बचाव के लिए। तो दे यूज स्किन्स ऑफ एनिमल, जानवरों की जो खाल होती है वो, लीव्स एंड द बार्क ऑफ द ट्री, जो लीव्स पत्ते और जो पेड़ की जो छाल जिसको हम कहते हैं ना, वो बार्क ऑफ द लीव्स, उसका इस्तेमाल करते थे टू प्रोटेक्ट देयर बॉडीज फ्रॉम द कोल्ड। दे वर फंडामेंटली फूड गैदरर्स एंड लिव्ड इन द केव्स और ऑन ट्रीज। वो बेसिकली फूड गैदरर्स थे। फूड गैदरर्स कौन होते हैं बच्चों? जो भोजन, जिनका उद्देश्य ही भोजन एकत्रित करना होता है, और जो सिर्फ इधर उधर पटकते रहते हैं भोजन को, भोजन की प्राप्ति के लिए। कहाँ पे रहते थे? पेड़ों पे रहते थे, और केज यानी गुफाओं में वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स फॉर फूड। अब यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि हाउ डू अर्ली मैन गॉट देयर फूड, वो अपना भोजन कैसे प्राप्त करते थे? तो उसका आंसर हमारे पास है, दे हंटेड वाइल्ड एनिमल्स फॉर फूड, जंगली जानवरों का शिकार करते थे, एंड ऑल्सो कलेक्टेड ईडेबल प्लांट्स दैट दे फाउंड ग्रोइंग वाइल्ड। उनको इधर उधर वैसे ही जंगल में उगे हुए जो ईडेबल प्लांट्स थे, जो खाने योग्य वो लोग चखते थे, उनको ठीक लगता था कि हम खा सकते हैं, गले से नीचे उतर सकता है, तो ऐसे सारे फ्रूट्स पत्ते जो भी कुछ था वो उनको खाते थे और उसको इकट्ठा करते थे। When the food found at the place got exhausted, they moved elsewhere. जब उनको एक लगता था कि इस जगह पर हमें भोजन प्राप्ति नहीं हो रही है, तो वो तुरंत ही दूसरी जगह शिफ्ट कर लेते थे ताकि उनको वहां से भोजन मिले। This is why they were known as a nomads and hunter gatherers. इसी कारण से why these people are known as nomads. Nomads क्या होते हैं बच्चों? बंजारे होते हैं nomads. Nomads
के नाम से जाने जाते थे और हंटर गैदरर्स, हंटर यानी शिकारी बच्चों। गैदरर्स, गैदरर्स यानी एकत्रित करने वाले। क्या एकत्रित करते थे? पेड़ों, वनस्पति के खाने योग्य पदार्थ, फूल पौधे, ये वो सब इकट्ठा करते थे। हंटर यानी होता है बच्चों शिकारी। तो इस तरीके से नोमेड क्यों कहलाते थे? नोमेड्स क्यों कहलाते थे? क्योंकि वो लोग इधर उधर घुमंतु प्रजाति के लोग होते हैं। नोमेड्स जो इधर उधर घूमते रहते, एक जगह भोजन करते हो क्या, चलो दूसरी जगह पे, ठीक है। और हंटर इसलिए कहलाते थे, हंटर यानी शिकारी होते हैं बच्चों। और गैदरर्स इसलिए कहलाते थे कि वो इधर उधर भटक के सारी चीजों को एकत्रित करते थे। ओवर अ पीरियड ऑफ अ थाउजेंड्स ईयर, कई हजार वर्ष बीतने के बाद, दे डेवलप फ्रॉम बींग फूड गैदरर्स टू फूड प्रोड्यूसर। कई हजार वर्ष बीतने के बाद उन्होंने अपने आप को, ये बच्चों देखिए फ्लो चार्ट की तरह, फूड गैदरर्स से उन्होंने अपने आप को फूड प्रोड्यूसर में कन्वर्ट किया। प्रोड्यूस करना यानी उत्पादन करना, प्रोड्यूस करना उत्पादन करना है ना, खेती बाड़ी करना। फूड प्रोड्यूसर में उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया एक फ्लो चार्ट की तरह। पहले वो ऐसे रहते थे, फिर वो ऐसे हुए, ठीक है। फूड प्रोड्यूसर में उन्होंने अपने आप को कन्वर्ट किया। आफ्टर दैट स्टेज दे प्रोग्रेस वेरी फास्ट। अब जब उन्होंने भोजन खेती करना सीख लिया, उसके बाद उनकी प्रोग्रेस जो थी बच्चों वो बहुत फास्ट स्टेजेस में हुई। दे स्टॉप वंडरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू प्लेस। उन्होंने ये नोमेड वाला जो जीवन था बच्चों, फूड प्रोड्यूसर बनने के बाद उन्होंने इस जीवन को खत्म कर दिया। नोमेड वाला जो जीवन था, भटकने का जो जीवन था, उन्होंने फूड प्रोड्यूसर बनने के बाद इस जीवन को जो था वो खत्म कर दिया। वो लोग एक जगह रुके, नदी किनारे रुके, खेती बाड़ी करना सीखा और वहीं पे अपना जीवन बिताने। दे बिल्ट स्मॉल हट्स नियर देयर फील्ड्स एंड बिगिन टू लेड अ सेटल्ड लाइफ। उन्होंने छोटी छोटी झोपड़ियां बनाई और सब आसपास रहने लगे, ठीक है। सारी जातियां बच्चों नदी किनारे बसी थी, ठीक है, नदी जंगल, जहां पर उनको अपना सारा सामान मिल जाता था, भोजन के लिए, खेती बाड़ी के लिए पानी मिल जाता, जहां उनको जीवन, वहां उन्होंने छोटी छोटी झोपड़ियां बनाई और उन्होंने एक जगह पर रह के अपना सेटल लाइफ जीना सीखा। दिस वॉज मैंस फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द सिविलाइजेशन। और ये पहला कदम था मानव सभ्यता का, मानव संस्कृति का, मानव सभ्यता का यह पहला कदम था कि जब उन्होंने खेती करके एक जगह एक साथ रहना सीखा। This stage in the life of early man is known as a stone age. और ये जो था, जब उन्होंने इसके बाद अपने हट बनाई, झोपड़ियां बनाई, झोपड़ी बना के सेटल्ड हुए, ठीक है बच्चों, झोपड़ी बना के जब उन्होंने अपनी लाइफ को सेटल किया, और इसके बाद का जो पीरियड था वो क्या कहलाया बच्चों, वो जो था वो कहलाया स्टोन एज, ठीक है। तो हम स्टोन एज के बारे में कैसे जान सकते, क्या लिखेंगे? द मैन बिल्ट अ स्मॉल हट्स नियर देयर फील्ड्स एंड बिगन टू लेड अ सेटल्ड लाइफ। दिस वॉज मैन फर्स्ट स्टेप टूवर्ड द सिविलाइजेशन। दिस स्टेज इन द लाइफ ऑफ अर्ली मैन इज नोन एज द स्टोन एज। और ये जो स्टेज थी, ये जो स्थिति थी, ये स्टोन एज के नाम से जानी गई। द स्टोन एज कैन बी कैटेगराइज इनटू थ्री फेजेस। अब ये जो स्टोन एज को पढ़ेंगे बच्चों, पाषाण युग कहते हैं इसको हिंदी में, यदि हम कहेंगे तो बच्चों पाषाण युग कहलाता है ये, है ना। स्टोन यानी पाषाण, पत्थर, पाषाण युग कहलाता है हिंदी में, यदि आप पढ़ेंगे तो इसको पाषाण युग के अलग अलग कैटेगरीज, इतना पीरियड ऐसा था, इतना पीरियड ऐसा था, इतना पीरियड ऐसा था, हम इसको अलग अलग वर्षों में व्यतीत करेंगे, विभाजित करेंगे। द स्टोन एज कैन बी कैटेगराइज इनटू द थ्री फेजेस। ओल्ड स्टोन एज और पहले लियोलिथिक एज, ओल्ड स्टोन एज। अब इसको भी यदि हम तीन भागों में बांटे, अब मैं क्या पढ़ा रही हूँ बच्चों आपको, स्टोन एज के बारे में, ठीक है। स्टोन एज को हम अलग अलग तीन भागों में बांट सकते हैं। स्टोन एज को मैं क्या पढ़ा रही हूँ बच्चों आपको, स्टोन एज को हम अलग अलग तीन भागों में बांटेंगे। यदि हम बात करें तो फर्स्ट इसका जो पीरियड है उसकी हम लोग बात करें, इसको किस नाम से जानेंगे बच्चों,
स्टोन एज में बात करें हम लोग तो यहाँ पे पैलियोलिथिक एज के बारे में बात करेंगे। तो जो सबसे बिगनिंग का जो पीरियड था, बिगनिंग का जो पीरियड था बच्चों, वो था शुरुआती, जिसको दौर हम कह सकते हैं कि जब उन्होंने सेटल होके अपना लाइफ जो था वो शुरुआत की थी, जो है पैलियोलिथिक एज, जिसको हम कहते हैं पैलियोलिथिक, क्या पढ़ेंगे, PALEO, पैलियोलिथिक एज जिसको हम कहेंगे बच्चों। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। ओल्ड स्टोन एज, इसको और क्या कहते हैं बच्चों, ओल्ड स्टोन एज, और क्या कहते हैं बच्चों, ओल्ड स्टोन एज, पुराना पाषाण युग, ठीक है, ओल्ड स्टोन एज। पैलियो सिग्निफाइज ओल्ड एंड लिथिक सिग्निफाइज स्टोन। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, पुराना या पौराणिक पाषाण युग, ठीक है। अब उसके बाद है बच्चों मेसोलिथिक। मेसोलिथिक क्या कहलाता है, मिडिल एज, और मेसोलिथिक एज, मेसो का मतलब होता है मिडल, मेसो ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है मिडल, यानी ये जो है मिडल एज, मध्य का पाषाण युग। यहाँ क्या है, नियोलिथिक, नियो का मतलब होता है न्यू, नियोलिथिक एज से मतलब होता है न्यू स्टोन एज और नियोलिथिक एज, और लेट स्टोन एज, इसको बाद में लेटर ऑन जो हुआ बाद में हुआ, लेट स्टोन एज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्टोन एज को, पाषाण युग को तीन अलग अलग भागों में बांट दिया, पैलियोलिथिक स्टोन एज, मेसोलिथिक स्टोन एज और नियोलिथिक स्टोन एज। अब तीनों युगों में मानव ने क्या क्या प्रगति करी, इन युगों में उसने अपना जीवन कैसे बिताया, इन अलग 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 टाइम पीरियड में क्या क्या खोज हुई, हम ये सारा इस सेक्शन में पढ़ेंगे। तो नाउ इसके बाद बच्चों हम इन सारे स्टेजेस के बारे में आराम से इजीली और डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लिप। थैंक यू वेरी मच।